एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा, क्राइसलर रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम मिस्टीरियो। दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा वन ऑफ द मोस्ट लव फ्रेग्रेंस। बॉन स्ट्रीट परफेक्ट फ्रेग्रेंस टू मेक अ राइट इम्प्रेशन एट फर्स्ट साइट। एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा, एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं शामिन गार्डनर और आप देख रहे हैं इस समय भारत 24x7। पंजाब में प्रेस वार्ता के दौरान केजरीवाल ने सरकार बनने पर पंजाब के हर व्यक्ति और व्यापारी को सुरक्षा देने का किया वादा। आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं, जिस जो पंजाब के कई लोगों के मन में इस वक्त है और उन्हें तकलीफ दे रहा है। कल एक आदमी आया मेरे पास, मुझे कहता है जी मैं हिंदू हूँ और आज पंजाब में हिंदुओं के मन में, खासकर व्यापारियों के मन में, सुरक्षा को लेके बहुत चिंता चल रही है। पंजाब एक बहुत ही बुरे आतंकवाद के दौर से गुजरा है और इसलिए केवल हिंदू नहीं, सभी लोगों के मन में पंजाब की कानून व्यवस्था को लेके, सुरक्षा को लेके, आंतरिक सुरक्षा को लेके काफ़ी चिंता चलती रहती है कि वापस वो दौर किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। तो उसने मुझे कहा जी पिछले दिनों की जो कुछ घटनाएं हैं उन्होंने हमें चिंतित कर दिया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में पीएम की सिक्योरिटी को लेके एक गंदी राजनीति हुई, उससे बोला कि लोगों के मन में, खासकर हिंदुओं के मन में बड़ी कि ये चल क्या रहा है, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे, इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे इस किस्म की राजनीति अच्छी नहीं है। अगर ऐसे राजनीति होगी तो फिर सुरक्षा कौन देगा। जिस तरह से पिछले कुछ महीनों के अंदर पंजाब के अंदर कई सारी घटनाएं घटी हैं, जगह जगह टिफिन बॉम्ब मिल रहे हैं, जगह जगह बॉर्डर से ड्रोन्स आते हैं, लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बेअदबी की घटनाएं हो गई। मैं आज पंजाब के सभी लोगों को, हिंदुओं को भी, सिख समाज को भी, क्रिश्चियंस को भी, मुस्लिम्स को भी, सभी जाति के लोगों के, सभी धर्मों के लोगों को, 3 करोड़ पंजाबियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। एक एक व्यक्ति की, एक एक व्यापारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। दिल्ली में हम सरकार चला रहे हैं 7 साल से, केंद्र सरकार से हमारे बहुत सारे मतभेद हैं, होते ही हैं दो सरकारों के बीच में, लेकिन आप लोगों ने देखा कि कभी भी हमने, जब जब देश का मुद्दा आया, जब जब समाज का मुद्दा आया, जब जब लोगों का मुद्दा आया, हमने कभी राजनीति नहीं की उस पर। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से कोरोना के वक्त में हमने, केंद्र सरकार ने बहुत बार हमें प्रवोक किया, लेकिन उसके बावजूद हमने केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम किया और कोरोना को अच्छे से दिल्ली के अंदर हमने मैनेज किया। मैं पंजाब के सभी लोगों को, हिंदुओं को, सिखों को, क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को, सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के ऊपर हम कभी भी किसी भी किस्म की राजनीति नहीं होने देंगे। ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी पर लगाया गंभीर आरोप, कही बड़ी बात।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दो चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब सभी की निगाहें तीसरे चरण पर हैं। यही कारण है कि सभी बड़े नेताओं ने तीसरी चरण की सीटों की तरफ अपनी निगाहें कर ली हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बेटे अरविंद राजभर का शिवपुर से नामांकन करने के दौरान उन पर और उनके बेटे पर हमला हुआ। राजभर ने आगे कहा, योगी जी मुझे मारना चाहते हैं। मुझे मारने के लिए आने वाले लोग काले कोट में थे और उन्हें भाजपा और योगी ने भेजा था। राजभर ने चुनाव आयोग से खुद और उनके बेटे के लिए सुरक्षा मांग की है। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक में 10वीं तक के खोले गए स्कूल, दूसरे दिन भारी मात्रा में आए छात्र। कर्नाटक के हिजाब विवाद के बीच राज्य के सभी 10वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया है। कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के बाद खूब विरोध हुआ, जिस पर अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है। यह विवाद इतना बिगड़ गया कि देश भर में अलग अलग जगहों पर हिजाब मामले को लेकर गर्माहट बढ़ गई। इन सब के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को राज्य के सभी 10वीं तक के स्कूलों को खोलने की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद आज दूसरे दिन भी सभी छात्र स्कूल जाते हुए नजर आए। कल यानी सोमवार को राज्य में स्कूल खोलने का पहला दिन था, जब राज्य के मांडिया जिले में रोटरी स्कूल के बाहर एक बार फिर हिजाब मुद्दा बन गया, जहां विद्यालय के बाहर गेट पर ही एक शिक्षक और छात्र के अभिभावक के बीच बहस शुरू हो गई। जब छात्र हिजाब पहने स्कूल में प्रवेश कर रही थी तो शिक्षक ने उसे गेट पर ही रोक लिया। शिक्षक ने छात्र से हिजाब उतारकर अंदर जाने को कहा, जिस पर उसके अभिभावक से बहस शुरू हो गई। एक अभिभावक का कहना है, छात्रों को कक्षा में जाने की अनुमति देने का अनुरोध करने के बाद हिजाब उतार दिया जा सकता है, लेकिन वह हिजाब के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकते। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। और दूसरे चरण का बोर्ड देख करके सुन्न पड़ गए हैं, और जब रायबरेली वोट डालेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे। ये बात मैं मान लूं कि न मान लूं? और जो गर्मी निकालने वाले हैं उनको कल देखा कि नहीं देखा टीवी पे सुबह? उनकी भाप अपने आप निकल गई। अब वो बातें पता नहीं किस बात के लिए कर रहे हैं। और जो कभी कभी धुआं उड़ाते थे वो धुआं हो गए हैं। हो गए कि नहीं हो गए? अब वो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जिनकी सरकार में हिरासत में मौत हुई हो, और देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं हिरासत में लोगों की जान जा रही है तो वो उत्तर प्रदेश है, और इनके लोग वसूली के लिए बताओ व्यापारी की जान ली कि नहीं ली? आपको याद होगा कि गोरखपुर में एक व्यापारी अपने कारोबार के लिए गया था, वहां पर वसूली के लिए पुलिस ने मार मार करके उसकी जान ले ली। और कहीं पूरे देश में एक आईपीएस फरार नहीं है? इनकी सरकार में आईपीएस फरार है। और जो 25,000 इनामी माफिया, उसके लिए बताओ जौनपुर में पुलिस कप्तान पिच बनवा करके क्रिकेट खिलवा रहे थे कि नहीं खिलवा रहे थे? और एक घटना नहीं बगा बताइए, उन्नाव में न जाने कितनी घटनाएं हो रही हैं, जिसपे आरोप था। बताओ वो मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में बुला करके पुलिस से बचाना चाहते थे कि नहीं बचाना चाहते थे? और अगर आज की अखबार पढ़ा होगा आपने, खबर देखी होगी, तो आज भी एक बहन के साथ घटना हुई है। आज सबसे ज्यादा असुरक्षित
अगर कहीं हैं बहनें बेटियां और हमारी माताएं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इनकी सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई, मन मर्जी किया। और एक घटना नहीं है, हम न जाने कितनी घटना बता सकते हैं आपको। और ये रायबरेली के लोग जानते होंगे कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस तरीके से लोगों को सताया है, न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लगे हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का आरोप, पीएम मोदी की यात्रा के कारण नहीं भर पाए हेलीकॉप्टर से उड़ान। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया है कि उन्हें आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली में भाग लेने से वंचित होना पड़ा, क्योंकि पीएम मोदी की यात्रा के कारण उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी गई। रिपोर्टर्स के अनुसार सीएम ने अपने हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से मंजूरी मिलने के लिए एक घंटे से अधिक समय तक का इंतजार किया, क्योंकि पीएम की जलंधर यात्रा के कारण नो फ्लाई जोन लागू किया गया था। चन्नी को राहुल गांधी की होशियारपुर रैली में भाग लेने के लिए चंडीगढ़ से उड़ान भरनी थी, लेकिन आखिरकार उन्हें हेलीपैड से ही लौटना पड़ा। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भाजपा पर लगाए आरोप, बोले भाजपा ने लूटो और भागो की बनाई स्कीम। एज पर आरटीआई रेस्पॉन्स, इन धोखेबाजों से 2020-21 में जो रिकवरी हुई है वो 0.7%, 0.7%। और मॉडल क्या बना है? ईज ऑफ लूटिंग बैंकिंग इंडस्ट्री, मॉडल बना है ईज ऑफ कमिटिंग फ्रॉड्स, मॉडल बना है लूट एंड एस्केप, लूटो और भागो, बैंकों का पैसा लूटो और भाग जाओ, और सुदूर विदेशी लोकेशंस पर, समुद्री तटों पर उनकी फोटोएं देखने को मिलती है जो देश का पैसा लूट के भाग रहे हैं। अभी देश के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड हुआ, 22,482 करोड़ रुपए का, देश के इतिहास का। आज तक पिछले 75 साल में कई रिकॉर्ड बनाए, पिछले 7.5 साल में मोदी जी ने देश को सबसे बुरी बेरोजगारी दी, देश की जो वो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 12 साल के सर्वोच्च स्तर पे पहुंचाया, रुपये को डॉलर के मुकाबले एशिया की सबसे निम्नतम करेंसी घोषित करवाया, और अब बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा जो अभी हुआ उसमें 22,842 करोड़ रुपी इज द फ्रॉड कमिटेड बाई ए कंपनी नेम्ड एज ABG शिपयार्ड। ये शिपयार्ड वाले क्या कर रहे थे उसका ब्यौरा आज लेके आया हूँ। इन्होंने 22,842 करोड़ का धोखा किया बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ, और 5 साल तक सरकार ने क्या किया आपको पता है? ये धोखा आज समाचार पत्रों में आज बाहर आ रहा है, पर सरकार को इसकी जानकारी 2017 में ही थी और उसके भी साक्ष्य हैं हमारे पास। 5 साल तक सरकार खेलती रही ऑफिस ऑफिस फाइल फाइल, कभी वहाँ उस ऑफिस में फाइल भेजती, कभी SBI CBI को फाइल भेजते, कभी CBI से फाइल वापस SBI में आती, और वो 5 साल तक आराम से धोखेबाज घूमते रहे। और अभी कहाँ है उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। मोदी गवर्नमेंट का एक ही स्कीम है, लूटो भागो। उमा भारती का बड़ा बयान, बोली प्रियंका अभी उस हैसियत में नहीं कि मैं बात करूं, मैं तो सुपरस्टार हूं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका की हैसियत पर करारा वार किया है। उन्होंने यह कहा कि प्रियंका अभी उस हैसियत में नहीं है कि मैं उनकी बात करूं। वे कानपुर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क के लिए आई थीं। उन्होंने कहा, योगी के आने से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीति पैसा कमाने का धंधा था, योगी के आने के बाद इस पर लगाम लगी और विकास हुआ। एक धारणा है कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वह मुख्यमंत्री नहीं रहता। एक घटना का जिक्र करते हुए बोली कि नोएडा में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें फोन पर इस धारणा की जानकारी देते हुए कहा गया कि आप प्रोटोकॉल में किसी और को भेज सकते हैं। योगी बोले, मैं जनता का सेवक हूं, कुर्सी के लिए काम नहीं करता।
पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले पीएम मोदी ने पंजाब की जनता से की भावुक अपील। आप कल्पना कीजिए, आपके पास बंगलो है, गाड़ी है, खेत है, खलिहान है, अच्छी खासी कमाई है, सुख चैन की जिंदगी है, कोई कमी भगवान ने रखी नहीं है, कोई कमी गुरु महाराजों ने रहने नहीं दी है, सब कुछ है, कल्पना कीजिए। लेकिन आपका जवान बेटा नशे की लत पे चढ़ गया, उसमें ही अगर डूब गया, मेरी माताएं बहनें मुझे बताएं ये मिलकत आपके किस काम आएगी, ये बंगला किस काम आएगा, ये गाड़ी किस काम आएगी। अगर बेटा बर्बाद हो गया तो आपके लिए क्या बचेगा, आपके संतान बर्बाद हो गए तो आपके लिए क्या बचेगा। क्या मेरी माताओं बहनों को, उन्होंने जो अपने संतानों के लिए सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमने एक माहौल बनाना जरूरी है कि नहीं है। नशे से मुक्ति का अभियान, हर मां हर परिवार हर परिवार को बचाना, उनके सपनों को साकार करने के लिए जरूरी है कि नहीं है। भाइयों बहनों, ये मुहिम किसी के खिलाफ नहीं है। दिल में बड़ा दर्द होता है, मैंने पंजाब की धरती पर काम किया है, पंजाब का मुझ पे कर्ज है, मैं कर्ज चुकाना चाहता हूं। मैं इस युवा पीढ़ी को बचाना चाहता हूं। दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, मैं आपके दुख को समझता हूं, मैं आपको संतानों को एक सुरक्षा का वातावरण देना चाहता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, पंजाब के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दीजिए, हमारी नई पीढ़ी के लिए आशीर्वाद दीजिए। ये सत्ता का खेल नहीं है, न ही सत्ता की भूख है। आपने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया है। अरे लोग 6-6 महीने प्रधानमंत्री रह करके भी जिंदगी में बहुत संतोष अनुभव करते हैं, मुझे तो आपने 2-2 बार बनाया है। मैं आपके लिए मेरी जिंदगी खपाना चाहता हूं, मैं अपने सुख के लिए नहीं हूं, मैं आपके सपनों के लिए हूं, मैं आपके सपनों को साकार करने के लिए हूं। और इसलिए अगले पांच साल नवा पंजाब का समय होगा। जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए मुख्तार को टिकट देने पर सपा पर किया बड़ा हमला। मित्र वो पार्टी है जिसके आने से गुंडा राज, माफिया राज, हर तरीके का भय, आतंक, सत्ता का उपयोग किसी खास जाति और समाज के वर्ग के लिए, सत्ता का उपयोग किसी धर्म के, विशेष धर्म के लिए तुष्टीकरण का जहर घोलने वाली एक वो पार्टी है, और एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कहती है और माफिया राज को जड़ मूल से समाप्त करने की बात करती है, वो भारतीय जनता पार्टी। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, बोलो ये मुख्तार अंसारी जेल के बाहर था कि नहीं था जब सपा की सरकार थी, था कि नहीं था? आज ये जेल के अंदर कैसे है और अब क्यों नहीं निकल पा रहा है? चुनाव भी जेल से लड़ना पड़ रहा है और लड़ाने वाले भी इतने बड़े दोस्त हैं कि जेल के अंदर रहने वाले को भी टिकट देने में कोई गुरेज नहीं करते। बताइए ये अतीक अंसारी ये जेल के बाहर था कि नहीं था जब सपा की सरकार थी? आतंक था कि नहीं था? भय था कि नहीं था? और उसी तरीके से हमारे
इसी राजनीति में धर्म के नाम पर तुष्टीकरण करने वाले और जहर खोलने वाले आजम खान भी देर से मंत्री बनकर के दंड डराते थे कि नहीं दंड डराते थे, दंड डराते थे कि नहीं दंड डराते थे। आज जेल के अंदर है ये सपा है जिसमें प्रत्याशी आधे जेल के अंदर है और आधे तेल पर है, ये है इनका रिकॉर्ड। इसको हमको याद, कोरोना के मामलों में लगातार कमी, 24 घंटे में 27,409 नए मामले आए सामने, 340 लोगों की हुई मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,409 नए मामले सामने आए। इस दौरान 82,870 लोग कोरोना से ठीक हुए जबकि 340 लोगों की मौत हो गई। तीसरी लहर में कोरोना के मामलों और मौतों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इससे पहले सोमवार को देश में कोरोना के 34,113 नए मामले दर्ज किए गए थे, वहीं रविवार को 44,877 मामले सामने आए थे। कल कोरोना से 340 लोगों की मौत हुई थी जबकि रविवार को संक्रमण से 680 लोगों की जान गई थी। बता दें कि देश में अब एक्टिव केस घटकर 4,23,127 हो गए हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24x7 के साथ, तब तक लिए धन्यवाद। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नए टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।